गाइस वेलकम बैक टू चैनल अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं मैटर कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। वैसे तो बहुत चर्चे में है ये गाड़ी, क्योंकि भैया फर्स्ट ऐसी गाड़ी है इंडिया की जिसमें चार गियर देखने को मिलते हैं और गियर ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक बाइक है। आज मैं आपको पांच ऐसे हाइलाइटिंग चीज बताने वाला हूँ इस गाड़ी के बारे में, जिसे सुन के आप बहुत ही ज्यादा मजेदार एकदम खुश हो जाओगे कि भाई इंडिया की गाड़ी है और ऐसी बनी हुई है। सबसे पहली चीज देखने को मिलती है वो इसका मोटर एंड द गियर बॉक्स। यहाँ पे आईपी रेटेड 65 वाली मोटर देखने को मिलती है। मिड ड्राइव मोटर है 10.5 किलोवाट की। यहाँ पर पीक पावर देखने को मिलती है, बट जो टॉर्क है वो बहुत ही मैसिव है, 520 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि डायरेक्ट ड्राइव होती है इसके व्हील्स पे। अब मैं आपको बता दूं, अगर 520 का जो टॉर्क है वो डायरेक्ट व्हील्स में अगर जाती है तो मोटर उससे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली गियर बॉक्स होने के कारण जो डिलीवरी है उस टॉर्क की वो बहुत ही मैसिव है। इवन जो वेरिएबल टॉर्क होता है ना वो भी अच्छे से पहुंच पाता है रियर व्हील में और उतना ही रेस्पॉन्सिव हो जाती है गाड़ी। यही चीज इस गाड़ी में एक यूनिक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो चार गियर है साथ में एक रिवर्स गियर भी है और यहाँ पे क्लच भी यूज किया गया है। ऐसे नहीं कि विदाउट क्लच है, विद क्लच ये गाड़ी है। यहाँ पे लिक्विड कूल सिस्टम का यूज किया गया फॉर द मोटर, बिकॉज इतना हाई पावर ड्रॉ और इतना हाई पावर टॉर्क ड्रॉ करने से इस गाड़ी का जो मोटर है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए लिक्विड सिस्टम यूज किया गया। और इसके अलावा ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी, हालांकि इसकी टॉप स्पीड बताई नहीं गई है, बट मेरे हिसाब से 120 प्लस इसकी टॉप स्पीड आराम से होगी, प्लस इनिशियल पिकअप तो बहुत ही मैसिव होने वाला है। सेकंड हाइलाइटिंग चीज है वो इसकी बैटरी। 5 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी को प्लेस किया गया है इतने स्मार्टली तरीके से, जिससे कि इसमें अच्छी खासी रेंज भी निकल पाए। एंड ये आईपी रेटेड 67 भी है और ये जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है, बट कौन सी केमिस्ट्री पे ये अभी तक बताया नहीं है। जैसे आएगा उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कौन सी बैटरी यूज कर रहे हैं। ये जो बैटरी है चार्ज होने में लगाती है सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे और 5 एम्पियर के हाउस होल्ड जो सॉकेट्स होते हैं उससे आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। इवन जो चार्जर है वो इन बिल्ट है, बस आपको एक वायर दिया जाएगा, उसको खींच के सिर्फ प्लग में लगाना है और आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी, आपको चार्जर निकालने की जरूरत नहीं है। फिक्स बैटरी है तो बैटरी रिमूव तो हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं थर्ड हाइलाइटिंग चीज, वो है इसका रेंज। 125 से 150 किलोमीटर की रेंज है, हालांकि आईडीसी रेंज होगी, एक्चुअल रेंज थोड़ी सी कम होगी, बट मैं आपको बता दूं डिफरेंट मॉड्यूल्स आएंगे जिसके हिसाब से आपको रेंज भी देखने को मिलेगा, इसकी प्राइस थोड़ी कम भी हो जाएगी ज्यादा भी हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये जो रेंज है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए था, बिकॉज ये एक बाइक है, बाइक को आप सिटी पे नहीं चलाओगे, कभी कभार आपको थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस भी जाना है तो बाइक प्रेफर करोगे। थोड़ा सा और बैटरी कैपेसिटी ज्यादा होता तो इसका जो रेंज होता वो थोड़ा अच्छा होता। मेरा बस एक ही इसमें ये कौन है वो है रेंज। फोर्थ हाइलाइटिंग चीज की बात करते हैं वो है डिजाइन। पहली बार तो आप जब देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपाचे देख रहे हो, अपाचे आरटीआर 160 देखा है ना, वैसे कुछ लुक एंड फील सामने से आता है। बट कंपनी ने इसमें बहुत कुछ आरएनडी करके चीजों को चेंजेस किया है, जैसे ऑल एलईडी सेटअप कर दिया है, मस्कुलर फ्रंट एंड देखने को मिलता है, स्प्लिट सीट देखने को मिलती है, क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया है, साथ में यहाँ पे 7 इंच का स्क्रीन दिया गया है, बट यहाँ पे कोई भी टच स्क्रीन नहीं है। आपको साइड में जो नेविगेशन बटन है उसका यूज करके आप इसके स्क्रीन को यूज कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी देख सकते हैं, जो भी चीज आपको राइडेबिलिटी के हिसाब से फाइंड आउट करना है इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देख सकते हैं। साथ में ये जो मैटर की जो बाइक है इसमें 5 लीटर का ग्लव बॉक्स भी दिया गया है, जिसमें छोटे मोटे चीजें आप रख सकते हैं। अब बात आती है सबसे आखिरी हाइलाइटिंग पार्ट की, वो है इसके साइकिल पार्ट्स। देखो ये गाड़ी जिस हिसाब से बनाई गई ना उस हिसाब से इसके साइकिल पार्ट्स भी उतने अच्छे होने चाहिए थे और कंपनी ने उसको बाकायदा इसमें यूज किया है। देखो पहली चीज तो यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक फ्रंट में मिलता है, मैसिव है। पीछे आपको मिलता है डुअल सस्पेंशन सेटअप, फ्रंट में आपको रोटो पेटल डिस्क, रियर में भी आपको रोटो पेटल डिस्क, जो कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके अलावा डुअल चैनल एबीएस दिया गया, जिससे जो सेफ्टी है वो बरकरार है। जिस हिसाब से टॉर्क जनरेट करता है उस हिसाब से इस गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम भी वैसा ही होना चाहिए। फ्रंट का जो टायर है वो काफी चंकी लग रहा है मेरे को और वो शायद 100 सेक्शन का होगा, एंड रियर का 130 सेक्शन का देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो फ्रेम यूज हुआ है दैट इज डबल क्रेडिट फ्रेम, जो कि हमने टीवीएस अपाचे देखा है, उसका दूसरी जो 2-3 गाड़ियां है जो आईसी इंजन में आती है उसमें ये फ्रेम देखने को मिलता है, जो कि रेडिबिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, साथ में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जब भी आप गाड़ी इस गाड़ी को चलाते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस जो कि बहुत सारे मीडिया में बताया गया 1.75 लाख रुपीज, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इससे थोड़ा सा और ज्यादा होगा। इन हाउस है, आरएनडी में लगा होगा पैसा, तो थोड़ा बढ़ाएगी इनिशियल में, बाद में भले उसको थोड़ा बहुत कम कर दी,
लेकिन आपको 1.75 to 1.90 lakh तक हो सकती है इस गाड़ी का प्राइस। आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बट दिस इज अ रेवोल्यूशनरी बाइक, क्योंकि गियर होना एक गाड़ी में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ये एक न्यू थिंग है इंडियन मार्केट के लिए। वीडियो चला तो प्लीज लाइक कर देना, नए को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।